हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे आरआरबी ईएलपी की आंसर की, तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आंसर की डेट आ चुकी है। अब आपको आंसर की कैसे चेक करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने वो गलती कर दी तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। और आप थोड़ी सी गलती, छोटी सी उसमें गलतियाँ हैं, और वो बिल्कुल गलतियाँ होना स्वाभाविक भी आपसे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी गलतियाँ ना करें और आंसर की कैसे चेक करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी या और कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे अनअकैडमी फॉलो कर लें, और कोई मैसेज आप करना चाहते हैं या कोई डाउट होता है, कोई शंका होती है आपको, कोई बात मुझसे करना चाहते हैं, तो आप सीधे यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये अनअकैडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे धनंजय प्रताप सिंह के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर जाइए और क्लिक करिए और मुझसे जुड़ जाइए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कैसे आपको आंसर की चेक करनी है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे जो आरआरबी एएलपी, जो आरआरबी की वेबसाइट है, अलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसा कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको सही से। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे कि क्लिक हेयर टू ऑब्जेक्शन ट्रैकर फॉर द कैंडिडेट अपियर इन फर्स्ट स्टेज CV2 फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन अंडर सीएन। देखो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि क्लिक करें, जो लोगों ने एग्जाम दिया था एएलपी का वो लोग यहाँ पे क्लिक करें। तो चलो फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। और एक चीज और बता देते हैं, जो कि लिखा है दिस सेल वी लाइव फॉर 5 डेज, सिर्फ 5 दिनों के लिए ओपन रहेगी। और कब से चालू हो रही है, ये 14 तारीख से चालू हो रही है, यानी 14 सितंबर से, यानी कल से ये चालू हो जाएगी। 14 सितंबर से ये चालू हो जाएगी और आप लोग इसको चेक कर सकते हो, ओपन करते हैं। अब किन किन सावधानियों को ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, देखो दोस्तों क्या होगा जब आप ओपन करेंगे, वो मैं साइट कल दे दूंगा लिंक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल के वीडियो में दे दूंगा, आप उसको चेक कर लेना वहां से। जब मैं कल वीडियो बनाऊंगा, जब इसको रिलीज कर दिया जाएगा, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, या अनअकैडमी मुझसे मांग लेना। तो देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, पहले तो जो उसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन वहां पर पढ़ना पड़ेगा है। अब देखो वहां पर क्या, जब आप उसमें नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देंगे, फिर अगर आपने कोई क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्शन दे दिया, कह दिया ये मेरा ऑब्जेक्शन, यहाँ पे ये ऑप्शन बी सही था लेकिन यहाँ पे बी गलत कर दिया गया है, जैसे आपने कोई बी टिक लगाया, ऑप्शन बी सही किया लेकिन वहाँ पे बी गलत कर दिया आपको लगता है, तो आपने बी ऑप्शन टिक किया, फिर बाद में आपको लगा नहीं ये बी नहीं सी सही था, तब आपने कहा, तो आपका वो नहीं माना जाएगा। जो आप एक बार सबमिट कर देंगे चीज को, एक बार करने के बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। यही बात एक बहुत जरूरी थी, आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा कोई भी चीज का, कुछ भी करने का, एक बार सिर्फ मौका दिया जाएगा। जब कल एक बार ओपन हो जाएगी साइट, ये जो लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जो भी उसमें और भी समस्याएं होंगी मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर ले चैनल, इससे क्या होगा कोई भी नई जानकारी कल और आती है, जो सामने कोई और समस्याएं आती हैं तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।